अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बनाएंगे खोपरा और धनिया पुदीने की हरी चटनी, जो कि चिकन के साथ बहुत अच्छी लगती है। ये जैसा मेरा गार्डन है जिसमें ढेर सारा धनिया लगा हुआ है, हम इसे तोड़ लेंगे। और जैसे ये कोथमीर भी लगी हुई है, देखिए धनिया पत्ता, ये देखिए ये धनिया पत्ता है। और ये रही हरी मिर्चियाँ, ये देखिए ढेर सारी हरी मिर्ची भी लगी है। तो आज हम हमारे गार्डन के हरी मिर्ची तोड़कर बनाएंगे। ये देखिए हमने पुदीना भी तोड़ लिया है, मिंट लीव्स, ये धनिया तोड़ लिया है, कोरिएंडर लीव्स, और ये हरी मिर्ची जो कि मेरे गार्डन के है। अब हम बनाते हैं कोकोनट और कोथमीर पुदीने की हरी चटनी। अब हम इसे पी ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। ये जैसे खोपरा है, ताज़ा खोपरा है मेरे पास, ये देखिए एक खोपरा डाल दिया है मैंने ताज़ा, और ये पुदीना डाल दिया है, ये कोथमीर जो कि मेरे गार्डन की है पूरे, और ये चार से पांच हरी मिर्च डाल दिया है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही आसान तरीके से बनती है। और जैसे थोड़ा सा नमक, एक चम्मच उतना नमक डाल दिया है मैंने, और इस क्योंकि मैं बघारूंगी नहीं तो उस हिसाब से मैंने जीरा पाउडर जरा सा, एक आधा चम्मच मैंने डाल दिया है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमने ग्राइंड कर लिया है खोपरे की चटनी, जो खोपरा पुदीने कोथमीर की हरी चटनी, और ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है और बहुत ही आसान होती है बनाना भी। और अब हम इसमें आधा नींबू डाल देंगे, नींबू से थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है, तो बिल्कुल थोड़ा सा डालिए। और ये देखिए हमारी खोपरे की चटनी पक्के बन के रेडी हो चुकी है, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से। बस 5 मिनट में आपकी खोपरे की चटनी रेडी हो जाएंगी, ये देखिए, और बहुत ही टेस्टी रहती है। आप इसे सैंडविच में भी लगा सकते हो, चिकन के भी साथ खा सकते हो, बेक चिकन, ग्रिल चिकन के साथ, या नॉर्मली भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। आपको मेरी रेसिपी कैसे पसंद आई या नहीं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।